हेलो एवरीवन। और आज हम लोग एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो टॉपिक है हमारा सीईटी को लेके। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मिशन 2024 में एक 25 डेज था सीईटी का। ठीक है, तो वो जल्दी ही शुरू होने वाला है क्योंकि आपका 12th बोर्ड तो अब खत्म हो गया है ना। तो जल्दी हम लोग वो चीज शुरू करने वाले हैं, तो जरूरी यह है कि आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो कि सीईटी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, व्हाई सीईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा टारगेट ये है, टारगेट क्या, आज का हमारा टॉपिक है मिशन सीईटी। ठीक है, मिशन सीईटी पर हालांकि एक और वीडियो आएगा। आज का हमारा टारगेट है कि भाई सीईटी फोड़ना है। आज क्या करना है, हमें सीईटी को फोड़ना है। ठीक है, और सीईटी फोड़ना क्यों है बताओ, एक बात मुझे बताओ। जैसे तुमने मान लो 12th में अच्छा स्कोर किया, ठीक है, सोसाइटी को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, क्या मिला तुम्हें 12th में अच्छा स्कोर करने से? तुमने 10th में अच्छा स्कोर किया था, उससे तुम्हें 11th में अच्छा कॉलेज मिला। तुमने 12th में बोर्ड में अच्छा स्कोर किया, उससे तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल गया? हाँ, हालांकि थोड़े छपरी कॉलेजेस मिल जाएंगे तुम्हें जिनका कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, कॉलेज तो तुम्हें सीईटी से ही मिलना है। बीएससी आईटी कर लोगे, ये वो बहुत पता नहीं क्या क्या कर लोगे। नए नए कॉलेजेस में जो नई नई ब्रांचेस खुलती है उसमें भी बोर्ड के बेसिस पे ले लेते हैं, लेकिन कुछ कर पाओगे क्या उसमें जाके? ना, कोई स्कोप नहीं रहेगा। स्कोप तो तब है जब एक बढ़िया से आप सीईटी का कॉलेज लो। ठीक है, सीईटी का एक बढ़िया सा कॉलेज लो तो ही कुछ ना कुछ स्कोप है। तो जरूरी यह है कि आप सीईटी को क्रैक करो। जो स्टूडेंट यहां पे सीईटी को लेके 50-50 पे, मैं उनको बता दूं कि भाई 50 जैसे आप तुम मतलब 50% बोर्ड में लाते हो मान लो, तो भी सीईटी के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, और 50% तुम्हारे सीईटी में आते हैं, 50% बोर्ड में और 50% सीईटी में फर्क देखना। 50% बोर्ड में आते हैं तो क्या क्या होगा? बेइज्जती होगी, बाजू वाले तुम्हें मतलब काफी ज्यादा सुनाएंगे, ताने मारेंगे, घर वाले तुम्हें तो सुनाएंगे ही ऑब्वियसली। ठीक है, बट अगर तुम्हारा सीटी में 50% आता है, मतलब 300 में से 150 आता है, मतलब एक तो तुम्हारा 98.5% पार रहेगा फॉर श्योर, 99 भी आ सकता है, पेपर का टफनेस थोड़ा इधर उधर रहा तो। ठीक है, ऐसा रहा तो उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, एक बढ़िया से कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले लोगे, और कंप्यूटर साइंस लेने के बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छा पैकेज लग जाएगा। लेकिन तुम ये गुनाह क्यों करोगे? तुम्हें तो खाली बोर्ड्स देना है, बोर्ड्स देके क्या मिल जाएगा तुम्हें? क्या कर लोगे बोर्ड्स देके? बोर्ड्स में चलो तुमने 96% लाए, कुछ हुआ ना? सीटी में ले आओ खाली 50%, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स 50-50 हैं, सीटी देना है नहीं देना है, फॉर्म तो भरा ही होगा खैर। ठीक है, बट फिर भी जो लोग सोच रहे होंगे यार सीटी दूं कि रहने दूं, ये वो पता नहीं क्या क्या, भाई उनको मैं बता दूं, रेडी हो जाओ, सीटी को फोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी अभी रुकना नहीं है, सीटी को क्रैक करना है एकदम। और ये क्रैक कैसे कर सकते हो, उसका मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी बताऊंगा। और सिंपल सा स्ट्रेटजी ये है कि बोर्ड्स की जो भी नॉलेज है ना तुम्हारे पास, बोर्ड्स की नॉलेज जो भी है ना तुम्हारी, वो मोर देन इनफ है 100 क्रॉस करने के लिए। ये बोर्ड्स की नॉलेज तुम्हारी 100 क्रॉस करने के लिए मोर देन इनफ है, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी चैंपियन जैद के मिशन 2024 पे। अब ये चैंपियन जैद कौन है, ऐसा सवाल तो नहीं आया ना तुम्हारे मन में, आना भी नहीं चाहिए। चैंपियन जैद के मिशन 2024 कोर्स में तुम्हें ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी, जिससे तुम 50 नंबर वो अपना इंप्रूव कर सको। ठीक है, तो अभी एंड मोमेंट आ गया है, तो अभी हम लोग जब भी लाइव स्ट्रीम्स रखे, जब भी कोई सेशन रखे सीईटी का, प्लीज उसे ज्वाइन करो, उस सेशन को अच्छे से एंजॉय करो, उस सेशन पे अच्छा सा रिस्पांस दो। रिस्पांस मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उस सेशन को देखें। ठीक है, लाइक्स वाइक से कुछ ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग उस सेशन को देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार 1000 स्टूडेंट हमारे सेशन को देख रहा है, तो मुझे और सेशन ऐसे करने चाहिए। लाइव में वॉचिंग अगर मेरा 200 प्लस जाता है, 100 प्लस जाता है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार इतने सारे लोग देख रहे हैं तो मुझे करना चाहिए इसको, है ना। तो ये जरूरी है कि चैंपियन जैद के मिशन 2024 में आप लोग पार्ट लो, और अच्छे से इस चीज को आप लोग अपने साथ मतलब करो। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आती है सैंपल पेपर्स की। आपकी जो भी बोर्ड की नॉलेज है ना, सैंपल पेपर उसको मतलब जैसे बोर्ड की नॉलेज से तुम्हारा 100 पार हो रहा है सीटी में, सैंपल पेपर उसको 120 कर देगा, 120 प्लस कर देगा, और चैंपियन जैद तो है ही तुम्हारा 150 पार करने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें बस तुम्हें करनी है, सीटी फोड़ना है। तो अभी आपका जो एनर्जी है उसको डाउन मत करो, इस एनर्जी को लगाओ आप सीटी में। और सीटी के बाद भाई है ना भाई, बहुत टाइम है, जैसे आपका बोर्ड अभी खत्म हुआ है, ठीक है, अभी आपके पास 1.5 महीने के करीब है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास पूरा टाइम है कि आप लोग अपना पूरा का पूरा जो समय है वो सीटी को समर्पित कर सको। ठीक है, और सीटी को समर्पित कर दो अपना ये 1.5 महीना, अगर 1.5 महीना ना सही, चलो 40 दिन बोल दो, अगर ये 40 दिन तुम सीटी को समर्पित कर दो, और बाकी लाइव स्ट्रीम्स तो मैं करा ही रहा हूं, ठीक है, तो आप लोगों का अच्छे से हो जाएगा वो, है ना। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, देखो 50-50 हो तो रेडी हो जाओ, सीटी क्रैक करो, सीटी क्रैक करके बढ़िया सा कॉलेज लो, और बढ़िया कॉलेज नहीं भी मिलता है तो लोअर कॉलेज में अच्छी ब्रांच लो, या अच्छे कॉलेज में कोई लोअर ब्रांच लो। ठीक है, उससे क्या होगा, बढ़िया सा पैकेज लगेगा, लाइफ सेट हो जाएगी यार। उसके बाद क्या ही करना होगा तुम्हें, एक बार तुम कॉलेज में गए बीटेक करने, उसके बाद लाइफ बहुत आसान होती है।
कहने की बात है हालांकि, ठीक है, बट होती है भाई, लाइफ काफी ज्यादा इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई तुमसे वो कॉलेज तो नहीं छीन सकता। अब तुम्हारी कितनी भी केटी लग जाए, तुम्हारा कितना भी बैग लग जाए, तुम कितने भी बार फेल हो जाओ, लेकिन कॉलेज कोई छीन सकता है क्या तुमसे? ना, हालांकि इतना बैग अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मतलब इतना तो लगेगा भी नहीं। खैर, कॉलेज तो पास आउट हो ही जाओगे ना। एक बार तुम किसी फील्ड में घुस गए, बीटेक बीटेक में घुस गए, तो उसके बाद उसको क्रॉस करके डिग्री हाथ में लेकर ही बाहर निकलोगे, है ना? तो लाइफ सेट हो जाएगी यार। सोचो मतलब 4 साल बाद तुम कैसे हो जाओगे अगर आज तुम खाली 40 दिन पढ़ाई कर लेते हो। सिर्फ 40 दिन, 40 दिन तुम्हें जान लगा के पढ़ाई करनी है, और सोचो तुम्हारी क्या लाइफ हो जाएगी, है ना? तो थोड़े दिनों के लिए मैं लाइव स्ट्रीम्स तो करा ही रहा हूँ, ऑब्वियसली कुछ जरूरी चैप्टर्स है उनके क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि भाई आप भी चीजों को करो। बाकी जो 11वीं का आने वाला है, वो 11वीं का आप लोग यूं कर सकते हो कि 11वीं का जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है ना, वो टच कर लो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वगैरह कैसे सॉल्व करते, इसको थोड़ा सा टच कर लो। बाकी कुछ भारी नहीं आ जाएगा 11वीं से, ठीक है? भारी तो आपका 12वीं से ही आएगा, और आराम से आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है? इतना कोई भारी नहीं लगेगा। तो अभी थोड़ा सा अपने आपको एनर्जाइज करो, अपने आपको थोड़ा सा रेडी करो, और सेशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करो मिशन 2024 के, ठीक है? ओके, चलिए तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज देयर इन मिशन सीटी, दैट इज टारगेट 25 डेज। ये चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।